अभिनेता आदिवासी शेष इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मेजर को लेकर सुर्खियों में है। यह फिल्म मुंबई हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की जीवन पर आधारित है। फिल्म मेजर के सॉन्ग के लॉन्च के मौके पर आदिवासी शेष ने फिल्म के निर्माण के दौरान मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के परिवार के साथ समय बिताने के बारे में बात की। Over the course of this film, uncle or amma, they've become like second parents to me, Major Sandeep's parents. मैं भी कह रहा था किसी से, और मैं ये फिर से कहूँगा कि ऑफ स्क्रीन मैं मेजर संदीप तो नहीं बन सकता, बट आई कैन बी अ सेकेंड सन टू देम। सो आई थिंक इट्स दिस फीलिंग ऑफ इमेंस जॉय। यूजुअली एटलीस्ट तेलुगु फिल्मों में ये होता है कि बाय द टाइम रिलीज डेट्स आर कमिंग वी स्ट्रगलिंग टू फिनिश द फिल्म एंड पुट द ड्राइव्स टुगेदर एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और काफ़ी दफ़ा हिंदी फिल्मों में मैंने ये सुना है कि दे डोंट शो द फिल्म बिफोर द रिलीज। वी हैव ऑलरेडी शोन इट टू 1700 पीपल अक्रॉस द कंट्री एंड आई एम प्राउड टू से दैट वी आर नॉट टेंस एट ऑल, वी आर वेरी हैप्पी। आदिवासी शेष जिन्होंने फिल्म भी लिखी है उन्होंने आगे कहा, जब हमने पहली बार अंकल और आंटी को फ़ोन किया, अंकल और अम्मा को, अंकल हंग अप ऑन मी। दूसरी बार फ़ोन किया, फिर से हैंग अप कर दिया। थर्ड टाइम हमने क्या किया, वी पिक्ड अ गर्ल इन आर टीम एंड हैड हर कॉल ताकि शायद अंकल थोड़ा सॉफ्टली बात करेंगे उनसे, एंड थैंकफुली ही डिडंट हैंग अप। तो ये सब के बीच में हमने यू नो वी स्टार्टेड मीटिंग देम। 7 मीटिंग्स के बाद अंकल ने एक दिन मुझसे कहा, ही सेड आई बिलीव कि आप मेरे बेटे के ऊपर फिल्म बनाएंगे 10%। तो मैंने पूछा क्यों, अंकल ने कहा यार बॉम्बे से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स फ़ोन करते हैं, मलयालम से फ़ोन करते हैं क्योंकि हम हैं केयरलाइट्स, और ये सब लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि वी वॉन्ट टू मेक अ मूवी ऑन आर सन्स लाइफ, बट दे आर सेइंग इट लाइक दे आर डूइंग अस अ फेवर। ये पहली बार है कि समवन इज लुकिंग एट अस विद द सेम फीलिंग वी हैव। सो आई थिंक मेकिंग दिस फिल्म वॉज एन एब्सोल्यूटली इमोशनल एक्सपीरियंस फ्रॉम डे वन। पर इमोशनल का मतलब ये नहीं है रोना धोना, इमोशनल का मतलब ये है कि सारे इमोशंस फील करना। लाइक एक 31 साल की जिंदगी में हम क्या क्या फील करते हैं, यू हैव एंगर, यू हैव हैप्पीनेस, यू हैव लव, रोमांस, सैडनेस, करेज, एंड दिस ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ दिस ब्यूटिफुल मैन वी ट्राई टू एनकैप्सुलेट। एंड ऑनेस्टली यार 2 घंटे काफ़ी नहीं है, बट दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अ फिल्म एंड ब्रेविटी इज एन आर्ट। ये क्या होता है कि यूजली जब बायोपिक्स कर रहे हैं ना लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा ये चैलेंज था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थे एंड वी हैड टू रिमूव अ लॉट। यार लोग नहीं मानेंगे कि ये उन्होंने ये भी किया है। सो वी हैड टू काइंड ऑफ ब्रिंग दैट ब्रेविटी एज फार एज कीपिंग इट बिलीवेबल व्हेन द ट्रूथ इज दिस इज एन एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मैन। अभिनेता ने यह भी साझा किया कि उन्होंने फिल्म को मलयालम में भी डब किया है। वी शॉट दिस फिल्म शॉट बाय शॉट, सीन बाय सीन, sentence by sentence in Hindi as an authentic Hindi film for the Hindi audience. We shot it shot by shot, scene by scene as an authentic Telugu film for the Telugu audience. Aur kyunki Major Sandeep unka mother tongue Malayalam hai, we are dubbing it into Malayalam out of respect more than commercial considerations. So all these efforts, no, it took a while. मेजर 3 जून को हिंदी, तेलुगु और मलयालम के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। INS रिपोर्ट।